नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी उमा श्री। आप सबका बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, मैं एक ज्योतिषी हूं और 23 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूं। आप अपनी कुंडली का परामर्श लेकर अपने जीवन को सफल बनाइए। आने वाला टाइम बहुत चुनौतियों का है। उद्योग धंधे, पढ़ाई लिखाई, इन सब में चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसके लिए हम ज्योतिषीय उपाय करके बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 15 जुलाई तक, और आप मात्र 1100 में एक सवाल पूछ सकते हैं। और आपको ऐसे ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कम मूल्य दे रहे हैं तो कम उपाय बताए जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी हमसे सलाह ली है, उन्हें पता है कि हम कितने सारे उपाय उनको बता रहे हैं, और इन उपायों को करके वो अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इन उपायों में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बहुत न्यूनतम राशि में आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि इन चीज़ों को कभी भी उल्लंघना नहीं चाहिए। उल्लंघने से मतलब उस चीज़ के ऊपर पैर से हम जैसे उलांग कर क्रॉस करके निकल जाते हैं ना, कि जैसे हमारी चप्पल पड़ी है उसके ऊपर से निकल गए, वो किसी चीज़ के ज़मीन पर जो चीज़ पड़ी है उसके ऊपर से निकल जाना, इसको बोलते हैं उलांगना। ये चीज़ बिस्तर पे भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो कुल मिला के उलांगना नहीं चाहिए। ऐसा करना बड़े बूढ़े अशुभ मानते हैं इसको। जैसे कि फर्श पर बैठकर कोई सब्जी काट रहा है तो उस सब्जी कटी हुई सब्जी के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत जाती है। घर में जगह जगह चप्पलें फैली पड़ी हैं और उनको उलांग कर जाने से घर में कलह होता है। इसके अलावा कोई इंसान यदि लेटा हुआ है या बैठा हुआ है तो उसके ऊपर से भी उलांग कर नहीं जाना चाहिए। इवन उसकी जो लेग्स है उसके ऊपर से भी नहीं उलांगना चाहिए। अगर कई लोग सोचते हैं लेग है चलो साइड से निकल जाओ, तो नहीं उलांगना चाहिए। ऐसे करने से उस मनुष्य की प्रगति बाधित होती है। इसके अलावा यदि बिस्तर पे कहीं पैसा वगैरह पड़ा है तो पैसे को भी नहीं उलांगना चाहिए। मान लीजिए आपको नीचे उतरना है और कुछ पैसा वैसा रुपया नोट पड़ा है तो उसको भी नहीं उलांगना चाहिए। किसी के वस्त्रों को भी नहीं उलांगना चाहिए। इसके अलावा सबसे खास बात कि यदि आपके भोजन की थाली पड़ी हुई है तो भोजन की थाली पर तो भूल कर भी नहीं उलांगना चाहिए। कई जगह सामूहिक भोज होते हैं गाँवों में, और वहाँ पर लोग नीचे बैठकर जब भोजन करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई परोसगारी करने वाला मनुष्य भूलवश उस थाली के ऊपर से निकल जाए। कई बार इसके टोटके भी होते हैं, किसी की थाली परोसी हुई होती है और उसके ऊपर से कुछ लोग उलांग देते हैं और फिर वो थाली परोस देते हैं। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि हर कहीं ऐसे नहीं खाना चाहिए। किसी के भी घर पे जाओ और वहाँ पर आप देखते हो कि कोई भी आपको थाली बहुत प्यार से परोस रहा है, अगर वो आपका हितैषी नहीं है तो आपको डाउट हो जाना चाहिए मन में, क्योंकि ऐसे लोग थाली को उलांग कर अपनी पीड़ा उसमें डाल देते हैं और वो दूसरों को परोस देते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को आपको स्वयं भी नहीं उहालना चाहिए, और किसी के भी घर आप जाओ तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि कहीं वो थाली को उलांघकर या पानी के गिलास को उघालकर तो आपको वो चीज़ सर्व नहीं कर रहा है। इस चीज़ का जरूर आप ध्यान रखें। स्पेशली नीचे बैठकर जहाँ भोजन करना होता है वहाँ तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। भगवान की प्रसाद की थाली या पूजा की थाली भी कहीं रखी हुई है तो उसको भी उलांघना नहीं चाहिए। कुल मिला के किसी भी वस्तु को जो गृहस्थियों के जीवन की अति आवश्यक चीज़ है उसको कभी भी नहीं उलांघना चाहिए।